कैटरीना कैफ के कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद टाइगर 3 की शूटिंग पर नहीं पड़ा कोई असर। पठान की सेम लोकेशन पर हो रही है शूटिंग। कलाकारों के कोविड पॉजिटिव और रिकवरी के दौरान कई सारे प्रोजेक्ट्स की शूटिंग अलग अलग तरह से प्रभावित हुई। मिसाल के तौर पर फिल्म पोनियन सेल्वन, भूल भुलैया 2, राम सेतु और मिस्टर लेले को ही ले लीजिए। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिन पर उसका असर नहीं पड़ा है, जैसे कि फिल्म गंगूबाई और टाइगर 3। फिल्म गंगूबाई के सेट से आलिया भट्ट कोविड पॉजिटिव हुई, मगर अजय देवगन ने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली। अब फिल्म टाइगर 3 से भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं। मंगलवार को कैटरीना कैफ के कोविड पॉजिटिव होने की खबर आई, लेकिन बुधवार को सेट पर मौजूद सोर्सेज ने बताया कि इससे फिल्म की शूटिंग पर कोई असर नहीं पड़ा है। सोर्सेज ने बताया कि दरअसल कैटरीना ने अपने हिस्से की शूटिंग 30 मार्च को ही पूरी कर ली थी, जिसे करने में उन्हें 21 से 22 दिन लगे थे। अब उनका अपकमिंग शेड्यूल अप्रैल के एंड में है। उनकी रिपोर्ट ट्यूजडे यानी कि 6 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी और इस बीच सेट से कोई भी कास्ट या क्रू उनके टच में नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों की टेस्टिंग हुई और उनमें से किसी के भी कोविड पॉजिटिव आने की खबरें नहीं है। खुद सलमान खान भी कोविड नेगेटिव हैं। अप्रैल एंड में जब कैटरीना पूरे क्रू को रिज्यूम करेंगी तो वो हिस्सा भी यशराज स्टूडियो में ही शूट किया जाएगा। अब्रॉड की शूटिंग पूरी टीम के साथ मई एंड में होगी। फिलहाल सेट पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से क्रू मेंबर्स की मौजूदगी में फिल्म की शूटिंग हो रही है। इमरान हाशमी भी सलमान खान के साथ फाइट सीक्वेंस शूट कर रहे हैं।